पेज ओरिएंटेशंस हम एमएस वर्ड में टू टाइप्स के पेज ओरिएंटेशन कर सकते हैं, उन्हें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहा जाता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्स को पेपर की विड्थ के साथ प्रिंट किया जाता है। ये एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन भी है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होता है। पेज ओरिएंटेशन सेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले पेज लेआउट को लेआउट टैब को चूज करेंगे। पेज सेटअप ग्रुप्स में ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे। एक मेन्यू शो होगा। फिर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके में उस तरीके से सेट हो जाएगा। टू सेट पेज साइज को किस तरीके सेट किया जाता है, यानी कि जब हम किसी कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो हमें पेज साइज की भी जरूरत पड़ती है कि हमें किस तरीके का पेज साइज लेना है। A4 साइज शीट लेना है, A4 लेनी है, ये जो भी लेनी है हमें, तो उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले पेज साइज को सेट करना पड़ता है। यूज किए जाने वाले पेपर वेराइटी और साइज में आता है। हम नॉर्मली 8.5x11 इंच के पेज का साइज लेते हैं। वर्ड में डिफॉल्ट पेज का साइज, यदि आप 8.5x11 इंच का पेज साइज का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप पेज साइज सेटिंग को चेंज करने के लिए पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। पेज सेटअप ग्रुप में साइज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पेज साइज चेंज करने के लिए स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। इन स्टेप के जरिए आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। सबसे पहले आप पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे एमएस वर्ड में, ठीक है। उसके बाद साइज ऑन द पेज सेटअप, फिर आप क्या करेंगे, पेज सेटअप ग्रुप में साइज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पेज सेटअप ग्रुप में साइज होगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक मेन्यू अपीयर होगा, इस तरीके से शो हो जाएगा आपको एक मेन्यू। फिर आप वहां पर आपके लेटर 8.5x11 या अदर साइज पर क्लिक करें, जो भी आपको इसमें से साइज लेना है। A4 साइज पर नॉर्मली हमारा वर्क होता है, जो हम करते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके अलावा आपको जो भी यहाँ पे आपको चाहिए, आप वो साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पेज साइज को उसके हिसाब से ही सेट करेगा। जिस तरीके से आप साइज लेंगे यहाँ पे, उसी हिसाब से वो सेट कर देगा पेज, ठीक है। तो ये हमारे पेज साइज सेट करने के लिए हमारे ऑप्शन से और हमारे स्टेप से इस तरीके से हम पेज को सेट कर सकते हैं, उसके साइज को। अब टू सेट पेज मार्जिन, पेज मार्जिन को किस तरीके से सेट करते हैं कि हमारे पेजेस का मार्जिन कितना होना चाहिए, हमें किस मार्जिन पर वर्क करना है। तो मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट और टॉप बॉटम राइट लेफ्ट कॉर्नर या सेंटर के वाइट स्पेस को डिटरमाइन करने के लिए होता है, ठीक है। आइए स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद दूसरे में आपको यहाँ पे शो होगा मार्जिन, आप उस पर क्लिक करेंगे। पेज सेटअप मार्जिन पर क्लिक करेंगे, एक मेन्यू आपको इस तरीके से शो होगा, अपीयर होगा। फिर मॉडरेट या अदर ऑप्शन पर क्लिक करें, ये आपके पेज के साइज को सेट करेगा आपके हिसाब से, जिस तरीके का आप मार्जिन चाहते हैं अपने पेज में चारों ओर। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये पेज है, इस पेज में इस तरीके से ऊपर नीचे बराबर का मार्जिन छूटे, तो आप उस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपने पेज का मार्जिन सेट करेंगे। टू एडिट पेज नंबर, पेज नंबर किस तरीके से ऐड किया जाता है कि सपोज दैट कि हम एक पेज के अलावा कई पेजेस पर काम कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीरियल वाइज किस तरीके का कौन सा पहला पेज है हमारा। तो पेज नंबर किस तरीके से ऐड किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स पर कि हमारे पेज हैं, उन सब पे हमने पांच जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, पांच शीट्स हैं हमारी, फाइव पेजेस, ठीक है। तो उस पर हम अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऐड करेंगे। उसके लिए हम किस तरीके से पेज नंबर डाल सकते हैं उसके अंदर, आइए उसके बारे में जानते हैं। पेज नंबर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में रखने में हेल्प करता है। इस तरह से रीडर्स को क्विकली इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। जिस पेज को हमें खोलना है, फोर्थ पेज को खोलना है, फाइव खोलना है, हमें क्विकली यानी जल्दी ही हम उस इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। नंबर्स को हमारे पेजेस के टॉप बॉटम मार्जिन पर ऐड किया जा सकता है, या तो टॉप में या बॉटम पे। एग्जाम्पल जैसे कि नंबर को पेज के टॉप पर लेफ्ट और राइट या एक सेंटर में अपीयर होगा। एमएस वर्ड कई नंबर स्टाइल्स फॉर्म भी प्रोवाइड करता है, जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हम पेज नंबर अपने पेजेस पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब सिलेक्ट करिए सबसे पहले आप यहाँ पर। फिर उसके बाद आप एक आपको मेन्यू शो होगा इस तरीके से छोटा सा, ठीक है। पेज के नंबर पर क्लिक करें, वहाँ पर पेज नंबर होगा, उस पर आप क्लिक कर दें। ऑप्शन उसमें कहीं है, लेकिन आपको जो वर्क करना है आप उसी पे करेंगे, ठीक है। पेज नंबर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पेज के बॉटम पर क्लिक करेंगे। आपको जहाँ पे नंबर लेना है, अगर आपको टॉप पर लेना है, सेंटर में लेना है या बॉटम पे लेना है, आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे।
राइट साइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वर्ड ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स के सभी पेजेस को नंबर्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब हमारा टू इंसर्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक किस तरीके से किया जाता है कि हम पेज पर वर्क करना है। देखिए यहाँ पर आपको ये हमारा वन पेज है, अब अगर हमें इसे टू पेज में ब्रेक करना है एक पेज को, तो हम किस तरीके से पेज ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले पेज ब्रेक ही डिसाइड करने के लिए है कि हर पेज कहाँ फिनिश होना चाहिए और एक न्यू पेज स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी अभी आपने इस पर वर्क किया और यहाँ पर फिनिश होने के बाद आपको दूसरा पेज लेना है, तो हम किस तरीके से पेज ब्रेक करके दूसरा ही स्टार्ट कर देंगे इसके बराबर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू हमने क्या करना होता है कि हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे पहले आप। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिक ऑन द पेज ब्रेक, पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका जो वर्ड है, मतलब जो आपकी जगह है, प्लेस है, आप वहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये बिफोर पेज ब्रेक, ये हमारा बिफोर पेज ब्रेक का, जब पेज ब्रेक कर दिया तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये बिफोर पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक होने से पहले का, या आफ्टर पेज ब्रेक यानी पेज ब्रेक होने के बाद का। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हमारा टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट्स। टू प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट कमांड देने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू मोड में आप हर पेजेस के रिव्यूज कर सकते को रिव्यू कर सकते हैं, एक ही समय में कई पेजेस देख सकते हैं, किसी स्पेशल पेज पर जूम भी कर सकते हैं आप प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स कमांड से। ठीक है, देखिए स्टेप देखिए इसके। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, मेन्यू अपीयर हो जाएगा आपको। फिर पॉइंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, पॉइंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू और प्रिंट पर क्लिक करें, प्रीव्यू पे या प्रिंट पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स मेन्यू अपीयर हो जाएगा आपको। प्रिंट प्रीव्यू अदर ऑप्शन पर क्लिक करें, वाइम। ठीक है, विंडोज में आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रीव्यू विंडोज ओपन होती है। फिर उसके बाद आप पेज में एक पेज देखने के लिए एक पेज पर क्लिक करें, एक बार में दो पेज देखने के लिए दो पेज पर क्लिक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल साइज में देखने के लिए क्लिक करें, कर सकते हैं आप। जूम बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपको एक ऑप्शन उसमें से आप चूज कर लेंगे। ठीक है, जूम डायलॉग बॉक्स ये है कि आप जूम करके उस पेजेस को देख सकते हैं, अपनी कलेक्शन से हो या किसी भी चीज को आप देख सकते हैं। तो आप ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपका पेज जूम हो जाएगा, और आप अगर एक साथ दो पेजेस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप टू पेजेस पर क्लिक करेंगे तो आपके टू पेजेस वहां पर ओपन हो जाएंगे। और ये सारा आपको स्टेप्स के थ्रू यहाँ पर पिक्चर दिखाई जा रही है, कैसे कैसे आप स्टेप्स फॉलो करेंगे वैसे वैसे ये पिक्चर इस तरीके से आपके कंप्यूटर में ओपन होती जाएगी और आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से अंजाम दे सकेंगे और कंप्लीट कर सकेंगे अपने काम को। अब हमारा तो प्रिंटर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किस तरीके से किया जाता है, जब तो हम डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर में बना लेते हैं, हमें प्रिंट करके निकाला किस तरीके से जाता है, ये उस बारे में देखते हैं कि हमारे को स्टेप दे रखे हैं। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मेन्यू अपियर होगा, इस तरीके से अपियर होगा। फिर वहां पे आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा, गो टू द प्रिंट ऑप्शन। आप कहाँ जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे और वहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर आप वहां जाकर प्रिंट ऑप्शन पर फिर क्लिक कर देंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इस तरीके से, और वहां पर जाके आप डाउन एरो नेक्स्ट द फील्ड, आपको जिस फील्ड को जिस तरीके से आपको प्रिंट करना है, आपको जिस साइज का प्रिंट निकालना है, आप उस तरीके से यहाँ पे नंबर्स डालेंगे और अपना जो भी आपका प्रिंट है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट निकालना है, उसका नाम यहाँ पर डालेंगे और आपका टाइप्स वगैरह जो भी है वो डालेंगे। और अगर आपको ऑल निकालने हैं तो ऑल पे कर देंगे, आपको करंट पेज निकालना है तो आप करंट पेज पे कर देंगे, और जिस साइज का प्रिंट निकालना है आपको, आप उस पर क्लिक कर देंगे और आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो अभी हमने एमएस वर्ड में क्या क्या देखा कि हम किस तरीके से एमएस वर्ड को देना यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, और हमारा जितना भी वर्क बताया गया है, किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिंट निकाल सकते हैं, कि डॉक्यूमेंट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन्हें अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो हमने ये सब समझा। इसे आप फिर एक बार देखिएगा, ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है और आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर है तो, किस तरीके से हम अपने एमएस वर्ड बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे से हम इस पर वर्क कर सकते हैं, अपना सारा टाइपिंग का, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, और इसे बहुत ही अच्छे से उसे अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करके भी रख सकते हैं फ्यूचर के लिए उसमें। ठीक है, आइए अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले है हमारा ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। एमएस वर्ड इज अ पार्ट ऑफ, फर्स्ट में आएगा आपका एमएस ऑफिस, मैंने यहाँ पे काउंटिंग ले दी ताकि इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से फिल कर सके। फर्स्ट में आएगा आपका एमएस ऑफिस, सेकंड में आएगा एमएस वर्ड इज अ वर्ड, सेकंड में प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग आएगा सेकंड में, थर्ड में इन एमएस वर्ड वी कैन, थर्ड में आएगा कॉपी, यहाँ पर आएगा कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट, वी कैन, फोर्थ में आएगा आपका सेव, सेव आवर डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। फिफ्थ में आएगा, फर्स्ट में आपका फॉर्मेटिंग इज मीन टू इम्प्रूव आवर डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग आएगा, ठीक है। अभी आपका ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स इन द बॉक्स। कमांड रिबन इज यूज टू इश्यू डिफरेंट कमांड्स, ट्रू स्टाइल्स आर सेट्स ऑफ फ्रेम्स टू बी अप्लाइड टू अ पैराग्राफ, फॉल्स लाइन्स स्पेसिंग सेट्स द स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ, ट्रू यू कैन नॉट प्रीव्यू अवर डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रिंटिंग, फॉल्स मार्जिन आर वाइट प्लेस वाइट स्पेसिस बिटवीन द नेक्स्ट एंड कॉर्नर ऑफ द पेज, ट्रू, ठीक है। तो याद तक आपका हो गया, अभी हमारा टिक द राइट ऑप्शन। MS Word is a, first में आएगा word, word processing software in MS Office, ठीक है, first में आएगा आपका word, the button is located at the upper left corner of the documents window, second में आएगा आपका third option, office button, rulers are used to change the of your document, तो first में आपका format, ठीक है, this is the area where you can type your text, second में आएगा, fourth में आएगा आपका workspace, the area are set of format that can be applied to a paragraph, last में आएगा आपका styles, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका complete अध्यापक, इसे आपको अपनी copy में note करना है। अब है हमारे question answer। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडोज। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी थी लेसन की, तो पढ़ा था वहाँ पे हमारे एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स, टाइटल बार, मेन्यू बार, वर्क स्पेस, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बॉक्स, टास्क पैन एंड टूल बार्स, ये हमारे मेन कॉम्पोनेंट्स है एमएस वर्ड विंडो के, ठीक है। हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर डॉक्यूमेंट्स टू मेक इट लुक बेटर, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से इसका लुक बेटर बना सकते हैं, तो वी कैन इम्प्रूव अवर डॉक्यूमेंट टू मेक इट लुक बेटर बाय फॉर्मेटिंग, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का फंक्शन पूछा उन्होंने, पेज ब्रेक्स आर मीन टू डिसाइड वेयर ईच पेज शुड एंड अ न्यू पेज टू बिगन, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द पेज ब्रेक, वर्ड स्पेस, वर्ड प्लेस अ पेज ब्रेक इन योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर कैन वी एडिट पेज नंबर्स इन अवर पेजेस, पेज नंबर नंबर्स कैन बी एडिट एट द टॉप, बॉटम आर और मार्जिन ऑफ अवर पेजेस, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन टू द डायरेक्शन इन विच अ पेज इज बिगन प्रिंटेड, इट कैन बी अलोंग द लेंथ और अलोंग द विड्थ, ठीक है। तो ये हमारे फाइव क्वेश्चन हो गए कम्प्लीट, तो ये हमारे अदर वर्क सारा हो गया, हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए हो गए। आप अपनी कॉपी में इन क्वेश्चन आंसर्स को और अदर वर्क को नोट करेंगे अपनी कॉपी में, सारा वर्क अपना कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में, डायरी नोट कर लीजिए अपनी सभी स्टूडेंट्स, पांचों क्वेश्चंस आपको, फाइव क्वेश्चंस, और आपको सारा अदर वर्क अपनी कॉपी में नोट करना है। और आपका जो होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये पिक्चर आपको पेज, ये लेसन जब स्टार्ट हुआ था वहाँ फर्स्ट पेज सेकंड पेज पर ही मैंने आपको बताया था उसके कंपोनेंट्स, यहाँ पर आपको ये पिक्चर वहाँ फिल हुई हुई है, वहाँ से देखकर आपको इस पिक्चर को फिल करना है, इसके कंपोनेंट्स फिल करने हैं, जैसे एरो बने हुए हैं उनके हिसाब से, जैसे ये वर्क स्पेस है, ये रूलर है, तो इस तरीके से ये होमवर्क है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है इसे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, पीछे आपका दे भी रखा है और आप खुद भी समझ के अच्छे से मैंने जैसे समझाया था आप कर सकते हैं इसे आराम से। तो अभी ये आपका नेक्स्ट पार्ट आपका इस लेसन का कंप्लीट होता है, ये लेसन हमारा यहाँ फिनिश होता है, अपना होमवर्क अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।